आज के जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच, दूसरों पर विश्वास करने से अच्छा है उन पर विश्वास जो है वो ना किया जाए। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा आज कवर करेंगे हम सभी 21 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि एक भी क्लास का जो लेक्चर है आप सभी का मिस ना हो और हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिलता रहे। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो या फिर SSC हो, बैंक हो, स्टेट एग्जाम कोई सा भी हो या फिर टीचर का एग्जाम हो, और इस क्लास का पूरा PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर जाकर सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, वो ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहां से जो है आप सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात बोलूंगा, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट ना आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, रेलवे हो, SSC हो या फिर बैंक का एग्जाम हो। और वहां से अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो आने वाले एक साल तक आपको हर एक एग्जाम का 20 से 25 सेट जो है वो दिया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जंक फूड दिवस हर साल कब मनाया जाता है यह आपको बताना है। नेशनल जंक फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, और ये मनाते हैं हम सभी आज के ही दिन यानी 21 जुलाई। और आप सभी को पता है जितने भी जंक फूड होते हैं वो हमारे शरीर के लिए जो है वो हानिकारक होता है, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें तेल, नमक, मसाला जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सभी को जागरूक करिएगा कि आज जो है वो राष्ट्रीय जंक फूड दिवस है, आज 21 जुलाई है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महाराष्ट्र सरकार ने अटके झोपड़पट्टी पुनर्वसन परियोजनाओं के लिए तनाव कोष स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ जो है वो समझौता किया है। जितने भी स्लम एरिया है ना, मान लो जितने भी शहर में जितने भी स्लम एरिया है, झोपड़ी वगैरह जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, कंजेस्टेड है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उसको बोलते हैं हम सभी स्लम एरिया, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है यह आपको बताना है। और कल शाम को 4 बजे वाले GK के क्लास में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, याद होगा आप सभी को। अगर शाम को 4 बजे वाला GK GS का इम्पोर्टेंट क्लास आप देख रहे हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए, कि धारावाही जो महाराष्ट्र का एरिया है ना वो विश्व का यानी इस धरती का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, आपको मैं बता दूं एक बात। तो और एक बात, तो महाराष्ट्र सरकार ने किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है ताकि ये सब जो गरीबी है, जो ये समस्या है वो हल हो पाए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है वो हाथ मिलाया गया है। और वहीं पर अगर बात करूं महाराष्ट्र का राजधानी क्या है तो सभी को पता है मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, और एक बात, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, दीपंकर दत्ता। और स्टेट बैंक के बारे में बात करूं तो टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन, और हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। और चेयरपर्सन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो रजनीश कुमार, और गठन हुआ था 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ताइवान का जो मिसाइल है ना उसको अपग्रेड करने के लिए अमेरिका के द्वारा कितना पैकेज जारी किया गया है यह आपको बताना है। क्यों हेल्प कर रहा है भैया ताइवान का अमेरिका, क्योंकि आप सभी को पता है कि चीन से अभी जो है वो 36 का आंकड़ा चल रहा है अमेरिका का, और जो चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो विरोध करता है चीन का, वो एक समय उसी का हिस्सा रहा हुआ देश, उसी का हिस्सा था, अभी अलग हो चुका है ताइवान। तो अभी अमेरिका चाहता है ताइवान का सहायता करे ताकि चीन टूट पाए, ठीक है। तो मिसाइल को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका कितना पैकेज जारी किया है, तो $620 मिलियन, ऑप्शन नंबर आपका सी। और आज का आप सभी का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है कि ताइवान का मुद्रा क्या है ये बताना है, ताइवान का राजधानी क्या है, करेंसी कैपिटल ये बताना है,
और ताइवान के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का नाम क्या है यह आपको बताना है। यह तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यह किसके पास है, महेंद्र नाथ पांडे जी के पास, ने किस पोर्टल को शुरू किया है ताकि कुशल लोगों को जो है वो आजीविका के अवसर खोजने में मदद मिले। तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जितने भी स्किल्ड पीपल है, जितने भी कौशल लोग हैं, ताकि उनको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े और वो जिस भी कार्य में समर्थ हैं वो इस पोर्टल पर जाकर जो है वो अपना जॉब खोज सकते हैं। तो पोर्टल का नाम क्या है, तो उस पोर्टल का नाम दिया गया है आपका असीम, ऑप्शन नंबर आपका डी। असीम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ देगा आप सभी से। तो असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है, यह याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने फसल विविधीकरण और तालाबों के कायाकल्प के लिए केंद्र सहायता से 1500 करोड़ रुपए जो है वो प्राप्त किए हैं, हरियाणा सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी। और जो ये सब किया जाएगा वो किस योजना के तहत, तो मेरा पानी मेरा विरासत यह योजना का नाम भी आपको याद रखना है। और हरियाणा के कैपिटल चंडीगढ़, वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्या। और एक बात, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है, रवि शंकर झा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ताइवान के तरफ से उनका राजदूत बनाया गया है, यानी ताइवान का नया एम्बेसडर कौन होगा इंडिया में, तो उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है, बसुवन गैर, जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे यही है ताइवान का राजदूत भारत में, ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड किया गया है और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम थोड़ा अजीब सा है और इनका नाम है आपका एंड्रो निगोम्ब, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सेना के साथ तैनात भारतीय बटालियन ने किस देश के लिए परियोजनाओं का पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य जो है ना वो अपिष्ट उत्पादन को कम करना है, यानी जितने भी कचरा होते हैं प्लास्टिक होता है उनको कम करने का, इसका मतलब यही बोल रहा है अपिष्ट उत्पादन, ठीक है, उसको कम करने के लिए भारत के बटालियन को जो है वो पुरस्कार दिया गया है, किस देश के द्वारा, तो लेबनान, ऑप्शन नंबर आपका डी। यहां पर आप सभी फोटो में भी देख पा रहे होंगे लिखा क्या है, इंडियन बटालियन बैग्स यूनिफुल एनवायरमेंटल अवार्ड, ठीक है, एनवायरमेंट अवार्ड। और एक बात, लेबनान का मुद्रा क्या है, तो ये आप याद रखिएगा, करेंसी पता होगा आप सभी को, 11:30 वाले क्लास में करवा रहा हूं, और प्रधानमंत्री कौन है, हसन दैब, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की सरकार से स्थानीय कला शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए जो है एक मेमोरेंडम साइन किया गया है, किस राज्य सरकार के साथ, तो कर्नाटका। वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में कला है, हाथ में स्किल है, कढ़ाई बुनाई जितने भी आर्टिस्ट है उनको आगे लेकर आने के लिए, यानी उनका जो भी प्रोडक्ट है वो जो है अब फ्लिपकार्ट पर सेल हो पाएगा, वो भी सुविधा तरीके से। तो इसलिए जो है वो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका राज्य सरकार के साथ जो है वो हाथ मिलाया है। कर्नाटका के कैपिटल बैंगलोर, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और राज्यपाल की बात करूं तो बजूभाई बाला, और जस्टिस कौन है कर्नाटका का, तो अभय श्रीनिवास ओका, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर 210 मेगावाट का किस शहर में उद्घाटन किया गया है, यह आप सभी को बताना है, और यह किया गया है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई में। और एक बात याद रखिएगा आप सभी, यह तो एशिया का हुआ,
वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो कहां पर है? तो वो याद रखिएगा, वो आपका दक्षिण कैरोलिना में है, जिसका नाम क्या, जिसका नाम है आपका सिटेडल कैंपस। ये आपको याद रखना है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अमेरिकी आदमी है जो अमेरिकी कृषि अनुसंधान संगठन का कार्य प्रमुख बनाने के लिए निर्धारित किया गया है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्राग चिटनिस, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताया था कि अब क्रिकेट में एक नया नियम आया है कि अगर आप, पहले आप देखते होंगे ना कि बॉल से, थूक से बोलते हैं ना, लार से बॉल को पोछा जाता है चमकाने के लिए, लेकिन ये नियम को जो है वो आईसीसी जो है, जो क्रिकेट करवाती है, वो बैन कर दिया गया है। यानी अब आप बॉल के ऊपर जो है वो लार नहीं लगा सकते, लेकिन अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, टेस्ट मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में, इसमें एक खिलाड़ी ने इसको, इस नियम का जो है वो उल्लंघन किया है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्रिकेटर बन चुके हैं जो इस नियम का उल्लंघन किए, नाम क्या है? तो क्रिकेट इंग्लैंड के बैट्समैन, काफी अच्छे बैट्समैन है, इन्होंने सेंचुरी भी मारा है फर्स्ट टेस्ट मैच में, इनका नाम क्या है? डोम सिबली, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर आज का 21 जुलाई का, और जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और जाने से पहले बोलूंगा, सारा का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया गया है, तो वहां से जाकर आप सभी डाउनलोड कर लेना। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? चलिए।